हाय गाइस, मोटो एज 50 प्रो तो 3 अप्रैल को इंडिया पे लॉन्च होने वाला है, लेकिन उसके बाद हमें मोटो एज 50 फ्यूजन भी इंडिया पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये फोन की काफी सारी स्पेसिफिकेशंस लीक होकर बाहर आनी स्टार्ट हो चुकी है। इवन इसकी ऑफिशियली रेंडर्स भी बाहर आ चुकी है, यानी कि ये फोन कैसा दिखने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि मोटो की प्रो सीरीज से ज्यादा फ्यूजन सीरीज काफी ज्यादा सेल होती है, क्योंकि यहाँ भी स्पेसिफिकेशंस तगड़े होते हैं और प्राइस पॉइंट इसकी काफी अच्छी रखी जाती है। तो मेरे ख्याल से मोटो एज 50 फ्यूजन को लेकर भी काफी सारे लोग एक्साइटेड है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस बार मोटो एज 50 फ्यूजन में क्या कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाला है एंड किस प्राइस पॉइंट पे ये फोन इंडियन मार्केट में आ सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चलिए फटाफट से आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फोन की लुक एंड डिजाइन की बात करें ना, तो देख सकते हो ये फोन भी वेगन लेदर की फिनिशिंग के साथ आने वाला है। रियर पे डुअल कैमरे का सेटअप दिया जाएगा एंड फोन काफी क्लीन से डिजाइनिंग के साथ आने वाला है, यानी कि डेफिनेटली ये फोन भी एक प्रीमियम सा फील देगा ही। और बताया जा रहा है कि इस बार यहाँ पर IP65 या IP68 की वाटर प्रूफ वाली रेटिंग भी दी जाएगी। पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि IP68 की रेटिंग यहाँ पर दी जाए। अब अंदर की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये फोन 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ एक 3D बोल्ड कर्व PoLED वाले डिस्प्ले के साथ आने वाला है, जहां पे 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट बताई जा रही है कि मिलने वाली है। तो डिस्प्ले के साथ ठीक ठाक स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ही, साथ ही कंटेंट वाचिंग को लेकर ये डिस्प्ले DR10 प्लस 10-bit कलर रेजोल्यूशन एंड वाइड 1L1 जैसे फीचर को भी सपोर्ट करने वाला है। नेचुरल कलर्स तो आपको मिलेंगे ही, साथ ही HDR पे वीडियोस भी देख पाओगे। और ये डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन को भी सपोर्ट करेगा एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो डिस्प्ले नो डॉट यहां पे ठीक ठाक मिलने वाली है। अब बात करें कैमरास की, तो रियर पे बताया जा रहा है कि डुअल कैमरे का सेटअप होगा, जहां पर 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर होगी विद OIS एंड 13 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल दिया जाएगा। अब कौन सा सेंसर यहां पे यूज होने वाला है ये अब तक कंफर्म नहीं किया गया, बट देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। एंड फ्रंट में बताया जा रहा है कि 32 मेगापिक्सल की सेंटर पंचल वाली सेल्फी दी जाएगी। तो कैमरास मोटोरोला का हमेशा से ठीक ठाक रहता है, इस बार भी ठीक होगा, बस देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन बताया जा रहा है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वाले प्रोसेसर के साथ आने वाला है, जिसकी एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 5 लाख से ऊपर जाता है एंड 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे क्लॉक्ड होगा। तो देखा जाए तो गेमिंग वगैरह अच्छा खासा कर पाओगे, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे स्नैपड्रैगन 7th जनरेशन का कोई प्रोसेसर यूज होता तो बेस्ट होता। फिलहाल आपका क्या ओपिनियन होता है, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलने वाली है और इसे चार्ज करने के लिए 68 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये भी डिपार्टमेंट ठीक रहने वाला है इसके प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अदर छोटे मोटे स्पेक्स की बात करें तो ये फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर को सपोर्ट करेगा, NFC का सपोर्ट रहने वाला है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया जाएगा एंड आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। तो ये कुछ छोटे मोटे फीचर्स यहाँ पे रहने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसकी इंडिया लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग की बात करें तो दोनों में से कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आए, लेकिन सबसे पहले मोटोरोला एज 50 प्रो को लॉन्च किया जाएगा 3 अप्रैल को। उसके बाद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ हमें मोटोरोला एज 50 फ्यूजन देखने को मिल जाए, क्योंकि मोटोरोला एज 50 प्रो को पहले लॉन्च करेगा, उसके बाद एज 50 फ्यूजन को लॉन्च करेगा। एंड प्राइसिंग ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 25,000 के आसपास तक इंडियन मार्केट में ये फोन की देखने को मिल सकती है बेस वेरिएंट की। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। फिलहाल आपका क्या ओपिनियन होता है, आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये देखा इस मोटोरोला एज 50 फ्यूजन की लीक हुई स्पेसिफिकेशंस, फ्यूचर में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, देखते हैं जो भी अपडेट्स बाहर आएंगे सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो मिलते गए अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।